कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई कि कूलिंग की प्रॉब्लम आई आपको या सोडा की स्ट्रांगनेस की प्रॉब्लम आई? नहीं 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 नहीं, सब हमको टेक्निकल सब बता के दिया था कि स्ट्रांग कैसे करना है उसको, अगर लाइट करना है तो कैसे करना है, हमको ये सब डिटेल दे दिया था, यानी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अच्छा, और कभी ऐसी आपको बाजार से या मार्केट से बूम आई कि भाई आपका दो महीना हो गया सोडा बिगड़ गया, या आपके सोडा में गैस नहीं रहा, या आपका ढक्कन जो है एकदम टाइट हो गया है खुल नहीं रहा, ऐसी कोई कंप्लेंट? नहीं नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया पॉजिटिवली। नहीं, देखिए आपके सामने सर, ऐसा तो नहीं है कि मैंने कैमरा ऑन करने से पहले आपको कुछ बताया हो या सिखाया हो? नहीं, मैं खुश हूँ यार, मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है। आपका तो आप ले रहे हो, बट मेरा तो मेरे को अच्छे से चल रहा है, मैं हैप्पी हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उनकी मशीन से। सबको लेना चाहिए, तो ऑलमोस्ट हम लोग 6-7 हज़ार बोतल दिन में निकाल लेते हैं। 6-7 हज़ार बोतल पर डे मशीन निकाल के दे देती है? हाँ, डेफिनेटली दे देती है। और आप ज़्यादा चलाओ तो आप 10-10 हज़ार भी पहुँच जाओगे। अच्छा, हाँ, ग्रेप्स और पोमोग्रेनेट है। ये हम लोग ने दो फ्लेवर मिक्स करके फ्यूजन बनाया है। Okay. ये इसमें मिक्स्ड बेरीज है। Okay. जिसमें क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरी तीनों मिक्स है। Okay. और इसमें बेसिकली स्ट्रॉबेरी और कीवी है। स्ट्रॉबेरी और कीवी है, यानी यूनिक फ्लेवर। यूनिक फ्लेवर है, हाँ। ये मार्केट में, ये अपने जो कंट्री में है जी, जितने भी कॉमन फ्लेवर्स है उसकी वो क्या बोलते हैं, एक का एक फ्लेवर चख के कंटाल के हम लोग ने ऐसा सोचा कि कुछ डिफरेंट निकालते हैं। कुछ बहुत डिफरेंट किया आपने, मैंने टेस्ट भी किया सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, એટલે પ્રોડક્શન આપણું ઓન છે કે ઓફ છે? ઓકે, હા હા। कस्टमर है सर, कैसे हैं? बस ऑल गुड, आप बताओ? बस बढ़िया है सर, कैसा चल रहा है बिजनेस? बहुत बहुत अमेजिंग चल रहा है, अभी फिलहाल स्टार्टअप है और अच्छा रिव्यू आके अच्छा फोर्स में चल रहा है, जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा चल रहा है। देखिए अभी यहाँ पर जो है सर का प्रोडक्शन जो है बॉटलों का स्टार्ट है, अलग अलग शेप की अलग अलग बॉटलें बनाते हैं सर, ठीक है। अभी बॉटलों का काम चालू है, देख सकते हो, जैसे कि ये जो है पीफॉर्म है इसका, इसमें से जो है ऐसी बॉटल बन जाती है जिस टाइप की आप बनाना चाहें, जैसे कि अभी फिलहाल जो है वो 250 ml की बोतल का प्रोडक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ से जो है हीट होके फिर आती है बोतल और यहाँ पर जो है रेडी होती है। ये पूरी मशीन है, ये देखिए आप, क्या होता है, हीटिंग हो जाती है बोतलें, उसके बाद जो है बोतलों को यहाँ पर डाई में लगाया जाता है। ये डाई है, ठीक है, जिसके अंदर से गैस का मतलब हवा आती है, हवा की वजह से जो बोतल जो है फूल जाती है। पूरी मशीन में देख सकते हो आप, यहाँ पर जो है अभी इस तरीके से जो है प्रोडक्शन हो रहा है। लो, कितनी बोतलें बन जाती है एक घंटे में? 1200 एक घंटे में हम बोतल बना लेते हैं। 1200 बोतल एक घंटे में बना लेते हैं सर, तो देख सकते हो ये पूरा जो है फैक्ट्री है हमारे कस्टमर का और इनका बहुत ही अच्छे से चल रहा है। आगे इनका जो है सेटअप पूरा देखेंगे, यहाँ पर जो है एम्प्टी बोतल का स्टॉक भी पूरा पड़ा हुआ है सर का,
ये पूरी एम्प्टी बॉटल्स है और यहाँ पर जो है बॉटल का प्रोडक्शन हो रहा है। अभी अलग अलग शेप में बना रहे हैं, ये जो है ये सस्ती होती है, फिर इसमें हमारे जो सर जो है वो अच्छी क्वालिटी की बॉटल हैवी क्वालिटी की बना रहे हैं। तो देखेंगे आप बाजू में उनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आ जाइए। देख सकते हो सर का बोर्ड लगा हुआ है। सर आ जाइए। सर ये कौन सा एरिया कौन सा पड़ता है? ये है आनंद सिखोदरा चौकड़ी है, सामर का चौकड़ी से 5 मिनट दूर। अच्छा, और ये एरिया के अंदर सर के पूरा फैक्ट्री लगा हुआ है। आइए सर की फैक्ट्री में चलते हैं। सर अभी आप जो है बॉटल का जो प्रोडक्शन जो है करके बॉक्स के अंदर पैकिंग करके सप्लाई कर रहे हैं सर? स्टार्टिंग में हम लोग ने बॉक्स पैकिंग इसलिए सोचा कि थोड़ा अच्छा वो गेटअप भी अच्छा आता है और प्रोडक्ट भी अच्छा दिखता है, उसकी वजह से हम लोग ने बॉक्स पैकिंग देखा कि हमको हर एक तरीके से कन्वीनियंट पड़ता है, क्योंकि बॉक्स वाला भी यही है और बॉटल बनाने वाला भी यही है। अच्छा, तो बॉक्स और बॉटल दोनों जो है वो इजीली मिल जा रहा है। कितनी मतलब उसका बॉटल का बहुत ही प्यारा और एकदम यूनिक शेप सर ने किया है। सर ये बहुत ही अच्छी डिजाइन लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। ये हम लोग ने ऑलरेडी एक बॉटल डिजाइन किया था, वो फेलियर के बाद ये दूसरा बॉटल डिजाइन किया जो सक्सेसफुल हो गया है। देखिए स्टार्टिंग के अंदर एक सर का फेल हुआ, लेकिन सर पीछे नहीं हटे। ये बॉटल दूसरा, हाँ ये बॉटल किया था। अच्छा, पहले ये बॉटल डिजाइन किया था, तो इसमें क्या दिक्कत आ रहा था? ये सोडा की वजह से डिफॉर्म हो जाता था, जो गोल हो जाता था। ये ट्राइंगल है तो वो ट्राइंगल शेप नहीं रहता था, वो गोल हो जाता, इसलिए हम लोग ने बॉटल चेंज किया और हमको गोल शेप में आ गए। पहले ये सर ने ये वाला बनाया, इससे क्या हुआ कि ये जो है गोल बन जाती थी बॉटल। सोडा के अंदर क्या होता है, गैस होता है, तो गैस की वजह से चौरस नहीं रहती थी, ये ट्रायंगल शेप में नहीं रहता था, तो ये जो है गोल बन जाता था। तो सर ने जो है गोल डिजाइन बनाया जो बहुत ही खूबसूरत और यूनिक है। आप देख सकते हो ये बहुत ही एकदम ब्यूटीफुल है, गुड लुकिंग है। मैंने इतनी जगह पे मशीनें दी हुई है, लेकिन जो सर ने डिजाइन किया है बॉटल वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, काफी खूबसूरत लगा सर। ये सर यहाँ पर भी कुछ डिजाइन रखा गया है? हाँ सर, वो क्या है गैस वो यहाँ से वो डिफॉर्म ना हो, इसीलिए ये गैस जो ऊपर आ जाता है उसकी वजह से हम लोग ने ये थोड़ा ऊपर रखा है, कि उसके वजह से हमको क्या है कि वो ज़्यादा बॉटल टाइट नहीं हो जाता है, परफेक्ट से खुलता है। ज़्यादा गर्म हो जाता है कभी कभी तो गैस की वजह से टाइट हो जाता है, पर अभी इसकी वजह से ये प्रॉपर खुलता है, ना उसमें जाम होता है, एकदम क्लियरली एकदम ईजिली खुल जाता है, इसलिए जो है ढक्कन खुल जाता है, इसलिए हम लोग ने थोड़ा गैप दिया है गैस के लिए। यहाँ पर जो है पूरा सिरप का सेटअप रखा गया है, सिरप के लिए जो है वो इस टाइप के कैंस रखे गए, इसकी फ्लेवर के लिए जो है पूरा रखा गया है। पूरा स्टॉक इतना है, इतना सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, देख सकते हो कितना सारा स्टॉक है दोस्तों, सबके अंदर जो है माल भरा पड़ा है। देखिए सब में माल भरा हुआ है, या देखिए आप, आपके सामने है सब कार्टून में माल भरा हुआ है। ये पूरे बॉक्सेस के अंदर माल है, ये फ्लेवर है, इसके अंदर ये अलग फ्लेवर है देख सकते हो, और ये अलग फ्लेवर है, और ये फ्लेवर अलग है, ये तीनों फ्लेवर डिफरेंट है। ठीक है सर, आपको मतलब कि ये बिजनेस का आइडिया कैसे आया सर? ये एक्चुअली मेरा स्टार्टअप का प्लानिंग फूड और बेवरेज में घुसना ही था, यानी कोई भी तरीके से मेरे को फूड एंड बेवरेज सेक्टर में जाना था, तो मेरे को बेवरेज इसीलिए लगा कि सबसे ईजी है, जो बनाओ फ्रिज में रखो और कैसा है ठंडा होके तुम लोग खोल के पी सकते हो। बाकी प्रोडक्ट में कैसा है कि तुम आगे मैगी जैसा है कि आपको बनाना पड़ता है 10 मिनट, इसलिए मैंने सोचा कि बेवरेज सबसे ईजी ऑप्शन है मार्केट में एंटर होने के लिए, इसलिए हम लोग ने बेवरेज से स्टार्ट किया। बेवरेजेस से सर स्टार्ट किया, तो क्या बेवरेजेस के अंदर प्रॉफिट कैसा है सर? एक्चुअली सर ये कैसा है, मैंने प्रॉफिट की वजह से बिजनेस चालू नहीं किया, मेरे को फूड और इसमें बहुत शौक था कि खुद का कुछ प्रोडक्शन चालू हो। उसकी तरीके से हम लोग ने जो चालू किया है उसमें क्वाइट हम लोग का सेटिस्फैक्शन क्या बोलते हैं 20% तक तो मार्जिन निकल जाता है, जिसमें हम लोग हैप्पी भी है और बिजनेस भी अच्छा हो रहा है हम लोग का। अच्छा, अभी हम थोड़े हमारे दोस्तों को बताएंगे कि आप वैसे सर कितनी फ्लेवर बनाते हो, जैसे यहाँ पर जो है सर की रखी हुई है। हाँ। ये मैं ले लेता हूँ, ये अभी सर का देख सकते हो, ये कौन सा फ्लेवर है सर? ये ग्रेप्स और पोमोग्रेनेट है। अच्छा। ये हम लोग ने दो फ्लेवर मिक्स करके फ्यूजन बनाया है। ओके। ये इसमें मिक्स्ड बेरीज है। ओके। जिसमें क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरी तीनों मिक्स है। ओके। और इसमें बेसिकली स्ट्रॉबेरी और कीवी है, यानी यूनिक फ्लेवर, यूनिक फ्लेवर है। हाँ, ये मार्केट में ये अपने जो कंट्री में है जितने भी कॉमन फ्लेवर्स है उसकी वो क्या बोलते हैं, एक का एक फ्लेवर चक के कंटाल के हम लोग ने ऐसा सोचा कि कुछ डिफरेंट निकालते हैं। कुछ बहुत डिफरेंट किया है आपने, मैंने टेस्ट भी किया सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और हम लोग का सोर्सिंग पूरा ऑर्गेनिक है,
हम लोग पल्पिंग करके उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के हम लोग फ्लेवर बनाते हैं। अच्छा अच्छा, एक बॉटल सर कितने में पड़ता है? 200 ml का, 200 ml का बॉटल मेकिंग के साथ मेरे को ऑलमोस्ट 9 to 10 rupees लगता है। 9 to 10 rupees सर, जब आपने मतलब कि बॉटल आपने मेकिंग किया, 9 rupees का आपको बॉटल पड़ रहा है। हाँ जी। सेल कितने में हो रहा है बाजार में? हम 20 rupees में बेच रहे हैं। 20 rupees में सेल, MRP। हाँ, MRP 20 rupees है। डीलरों को कितने में सप्लाई करते हैं? डीलरों को ऑलमोस्ट 16 rupees में सप्लाई करते हैं। 16 rupees में। उसमें टैक्सेस भी लग जाते हैं। अच्छा। हम लोग 18% जो GST है वो इंक्लूड हम लोग 16 rupees में सेल करते हैं। अच्छा, इंक्लूडेड GST सेल करते हो, तो कितना टैक्स लग के आपको कितना बच जाता है एक बॉटल के ऊपर? मेरे को कुछ 20% अराउंड मिल जाता है। 20% मिलता है, यानी कि अगर आप 9 rupees की बॉटल के ऊपर GST जोड़ो तो कितना रुपए की एक बॉटल हो जाती है? 9 rupees के ऊपर हम लोग अगर अपना प्रॉफिट डाल के GST करें तो हमको 14.5-15 में बॉटल पड़ता है, 14.5 rupees। अच्छा, 14.5 rupees में GST के साथ प्रॉफिट इंक्लूडेड करके? इंक्लूड करके, यानी फिर 2 rupees और एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाता है। यानी नहीं, उसमें कैसा है, कोई बल्क में करता है तो उसको हम लोग कन्वीनियंट देते हैं, पर जो सिंगल रिटेलर है उसको हम लोग 16 rupees के मार्जिन से ही देते हैं, वरना फिर 14 में भी दे देते हैं। हाँ, अगर आपके पास बल्क ऑर्डर है तो हम लोग 14 में दे देंगे। अच्छा, बल्क ऑर्डर रहेगा तो 14 rupees में दे देंगे। हाँ। अच्छा। सर, ये कितने एरिए के अंदर पूरा आपका फैक्ट्री बना? 2200 square feet है। 2200 square feet, तो ये रेंट पे होगा? हाँ, ये रेंट पे, फिलहाल स्टार्टअप है इसलिए रेंट पे लिया है। हमारा खुद का भी जगह है बट बिल्ट नहीं है, इसलिए स्टार्टअप के लिए हम लोग ने रेंट आउट किया कि मार्केट का कैसा है, डिमांड कैसा है, कैसा हम लोग को रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर उसके बाद हम लोग ने प्लान किया कि खुद के जगह पे करेंगे। तब तक हम लोग रेंट पे ही करते हैं। तो अभी आप रेंट निकालने के बावजूद आपको प्रॉफिट मिल रहा है? हाँ, और ये भी हम लोग का स्टार्ट है, इसलिए हम इसमें हम खुद का मार्जिन छोड़ के भी धंधा कर रहे हैं। अच्छा। कि हम लोग अवेयरनेस के लिए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट नया है इसलिए हम अवेयरनेस के लिए हम लोग खुद का मार्जिन भूल के हम लोग दे सकते हैं, हम लोग दे रहे हैं। सर, यानी ये जो बिजनेस जो है आपने किया, तो इसके अंदर आपका जो आपने सोचा था कि भाई मेरा स्टार्टअप रहेगा, तो मतलब कोई भी बिजनेस में स्टार्टअप करते हो, स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया था सर? नहीं, एक्चुअली कैसा था, प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया था बट वो रेशियो कम था, डिमांड कम थी कि धीरे धीरे एक बॉक्स जाता है, दो बॉक्स, उसकी वजह से। पर अभी जो चल रहा है इसके से अच्छा पेस पकड़ा है और अच्छी खासी पेटी निकल जाती है। बहुत अच्छी बात है। आपने कितना टाइम हुआ सर ये मशीन को परचेस किया पूरा? ये दिसंबर जनवरी में अपने परचेस किया मैंने, दिसंबर जनवरी में। 6 months है, 6 months हो गया। और उसमें भी मेरा मशीन बंद पड़ा था क्योंकि मेरे पास फसाई का लाइसेंस नहीं आ रहा था, तो उसकी वजह से मेरा और 2-3 महीना वेस्ट हो गया। पर अभी मैं वो कोपअप कर रहा हूँ, धीरे धीरे अपना बिजनेस चला रहा है। तो फिर जब आपने मशीन इंस्टॉलेशन के लिए बुलाया है तो आदमी प्रॉपर टाइम पे आ गया? हाँ, प्रॉपर टाइम पे आ गए थे। और मशीन जब आपकी जैसे कि डिलीवरी की जो डेट तय हुई थी वो टाइम पे आपको मशीन मिल गई थी? टाइम पे बिफोर टाइम मिला था, मेरा डेट और था, डेट लेट किया था, पर जल्दी बोला तो जल्दी भी आ गया था। और जैसे आपको कुछ टेक्निकल सपोर्ट किया, कुछ जानकारी की जब रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी का सपोर्ट रह रहा है सर? हाँ, कम्प्लीटली रहता है। कॉल करते हैं? हाँ, तो कॉल रिसीव होता है आपका? हाँ, कभी कभार नहीं हो जाता है पर मोस्टली रिवर्ट कॉल बैक आ जाता है। अच्छा, जैसे हाँ, आप कॉल करते हैं, कभी कॉल रिसीव नहीं आता, दोबारा सामने से आता है? हाँ, सामने से कॉल बैक आ जाता है, डेफिनेटली। हाँ, और मेरे पर्सनल नंबर भी आपको? हाँ, डेफिनेटली आपका है आपका। और तो बात हो जाती है सर? यस। और सर, एक और हमारे व्यूवर्स को हम जानकारी बताएंगे कि ये बिजनेस जो है उसमें FSSAI लाइसेंस के लिए कितना खर्च हो जाता है पैसा? उसमें अगर आप सेंट्रल लेते हो तो आपको एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि एजेंट जो रहते हैं वो उनका कट निकाल के आपको लाइसेंस देते हैं। बाकी स्टेट है उसमें 1000-1500 का है, और जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 100-200 rupees का खर्चा हो जाता है। अच्छा। और जो सेंट्रल है उसमें 7500 एवरी ईयर का फ़ी है, और प्लस जो आपका जो ब्रोकर रहता है वो आपके लेके जाता है। यानी आप 10-15 हज़ार में आपको सेंट्रल लाइसेंस और 2-5 हज़ार में आपको नॉर्मल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का लाइसेंस मिल जाएगा। अच्छा। और सर, इसके लिए कुछ पर्टिकुलर कोई एक्स्ट्रा पावर की तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं रही सर? नहीं सर, जो नॉर्मल 3-phase मशीन है, जो 3-phase हम लोग को पावर मिल रहा है उसमें ही हमारा मशीन चल रहा है, ना एक्स्ट्रा पावर की जरूरत है। जो अपना जो नॉर्मल यूजेज है उसमें ही सेट हो जाता है। अब हमारी जो मशीन आपको दी हुई है वो तो सिंगल फेज की है, पर यहाँ पे हमारे 3-phase कनेक्शन है, पर आपका मशीन कुछ ज्यादा लोड भी नहीं देता है, अच्छे से चलता है और कोई टेंशन नहीं है। कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई कि कूलिंग की प्रॉब्लम आई आपको, या सोडा की स्ट्रांगनेस की प्रॉब्लम आई? नहीं, सब हमको टेक्निकल सब बता के दिया था कि स्ट्रांग कैसे करना है, उसको अगर लाइट करना है तो कैसे करना है, हमको ये सब डिटेल दे दिया था, यानी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अच्छा। और कभी ऐसी आपको बाजार से या मार्केट से बूम आई कि भाई आपका 2 महीना हो गया सोडा बिगड़ गया, या आपके सोडा में गैस नहीं रहा, या आपका ढक्कन जो है एकदम टाइट हो गया, खुल नहीं रहा, ऐसी कोई कंप्लेंट? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया पॉजिटिवली। नहीं,
देखिए आपके सामने सर, ऐसा तो नहीं है कि मैंने कैमरा ऑन करने से पहले आपको कुछ बताया हो या सिखाया हो। नहीं, मैं खुश हूँ यार, मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है। आपका तो आप ले रहे हो, बट मेरा तो मेरे को अच्छे से चल रहा है। मैं हैप्पी हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उनकी मशीन से। सबको लेना चाहिए जी। ये आपके सामने है रिव्यू, जेन्युइन रिव्यू है कस्टमर का ना। के हमारी जो कैपिंग मोटर है उसके अंदर आपको कैपिंग करना जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो जाएगा कि कैप बहुत ही हार्ड हो गई तो खुल नहीं रही है या फिर आपकी ढीली रह गई, गैस उड़ गया, ऐसा नहीं होता है। आपके सामने कस्टमर यूज कर रहे हैं। सर स्टिकर बहुत प्यारा बना है, कितने रुपए का बना? सर हमको ये हर एक बोतल का स्टिकर है सर, ये पूरा डिफरेंट है। सबके लिए 5-5 सिलेंडर लगे हैं हमको, और ये तीनों का डिज़ाइन हमको 80,000 सिर्फ सिलेंडर का लगा है और 80,000 स्टिकर का हुआ है। अच्छा हाँ, तो कितनी बहुत बल्क क्वांटिटी में बनाया लग रहा है? हम लोग ने 3,00,000 स्टिकर बनाए हैं। 3,00,000 क्वांटिटी में बनाए? 3,00,000 स्टिकर बनाए हम लोग को, 80,000 में 3,00,000 स्टिकर बन के रेडी हो गए। आपके सामने आप देख सकते हो कितना प्यारा डिजाइन किया है। ठीक है, मुझे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा सर। एक दूसरी मैंने बात आपकी बॉटल के ऊपर नोटिस की, ये कैसे प्रिंट किया है सर? ये सर स्क्रीन प्रिंटिंग है, जो अपना क्रेडिट कार्ड, अरे कंकोत्री रहता है या क्रेडिट कार्ड रहता है उसका छोटा सा मशीन आता है, उसके ऊपर बॉटल रख के आपको उसका स्क्रीन प्रिंटिंग होता है। ये इंक है, हाँ इंक है ये। जैसे कि दोस्तों हमारी कंपनी जो है वो बैच कोडिंग जो आपको मतलब जो सेल कर रही है, हमारे पास एक प्रिंटर है जो हम सेल करते हैं, उससे भी आपका जो है इस टाइप का प्रिंटिंग होता है ढक्कन के ऊपर। हाँ हो जाता है, और बैच कोडिंग के मशीन से यहाँ भी हो जाता है, पर उसका जो साइज और डिमेंशन है वो बहुत छोटा होता है। हाँ। इसलिए हम लोग ने अलग से छोटा मशीन लिया है स्क्रीन प्रिंटिंग का। अच्छा। उससे हम लोग ये बॉटल प्रिंट करते हैं। अच्छा, वो कहाँ पर है सर मशीन? ये एक्चुअली वो हमारा जो जॉब वर्क करता है उसको दे दिया है। अच्छा, उसको दे दिया, जॉब वर्क करने वाले को दे दिया है, ताकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बन के ही रेडी होके आ जाए। होके आ जाता है एवरीडे पे, 6 से 10 बैग एवरीडे वो रेडी करके दे देते हैं हमको। 6 से 10 बैग आपको रेडी हो जाता है, 500 बोतल आ जाता है। 500 बोतल आ जाता है जी, तो इतनी यूज हो जाती है। हाँ ऑलमोस्ट 5,000 तो हो ही जाता है, क्योंकि उसमें एक व्हाइट भी है और ब्लैक है, तो एक साइड हम लोग व्हाइट प्रोडक्शन करते हैं, एक साइड ब्लैक करते हैं, तो ऑलमोस्ट हम लोग 6-7 हज़ार बोतल दिन में निकाल लेते हैं। 6-7 हज़ार बोतल पर डे मशीन निकाल के दे देती है? हाँ डेफिनेटली दे देती है, और आप ज्यादा चलाओ तो आप 10,000 भी पहुंच जाओगे। अच्छा हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई मशीन रुक रही है या आपको ठंडा नहीं दे रही है, स्ट्रॉन्ग नहीं दे रही है, प्रॉब्लम आती है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लीट चलता है, कोई कंप्लेन नहीं है। कभी कभार हमारे आदमियों से अगर प्रॉब्लम हो जाए तो हो जाता है, बाकी मशीन प्रॉब्लम नहीं देता। बहुत अच्छी बात है सर। ये फ्लेवर कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप? ये फ्लेवर यही गुजरात अपना आनंद जीआईडीसी में करते हैं। ये हमारा ही एक सब्सिडियरी कंपनी है कल्पतरु एनजीवेशन करके, हम लोग वहाँ पे ही सोर्सिंग पल्पिंग करके वहीं हम लोग फ्लेवर बनाते हैं। अच्छा, वहीं फ्लेवर बनाते हो। फ्लेवर जो है सर मतलब के सिरप चीनी वगैरह सारा मिक्स होके वहाँ से? एक्चुअली कैसा है, हम लोग नेचुरल जो फ्लेवर्स के पल्प आते हैं वो पल्प को ही हम लोग पल्पिंग मशीन में डाल के उसका कॉन्सेंट्रेट निकालते हैं। अच्छा हाँ, यानी हम लोग चीनी वीनी सब ऑलरेडी ऐड ही है, सिर्फ हमको कॉन्सेंट्रेट निकाल के यूज करना है। मतलब कंप्लीट बना हुआ सिरप आपके पास यहाँ पर फैक्ट्री में आता है? आ जाता है हाँ। क्योंकि सर का कॉन्सेप्ट जो है पूरा हटके डिफरेंट है, और आगे आप बात करेंगे इनका यहाँ पर जो है सर ये किस तरीके से पूरा सेटअप फैक्ट्री का किया गया उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स। एक्चुअली हम लोग ने ये हम लोग का कैसा है, यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बहुत प्रॉब्लम है, तो हम लोग को 3 टंकी लगाना पड़ा। ये नॉर्मल टैंक वाटर है, वो आरओ का पानी है, और वो टीडी जो वेस्ट वाटर आता है आरओ से वो उसका टैंक है, जो पूरा डिस्पोज किया हुआ पानी हम लोग वहाँ उसमें डाल देते हैं। और फिर ऐसे ही हम लोग ने चालू किया कि आरओ लगाया, आरओ से सब पानी वहाँ जाता है, मशीन में जाता है, मशीन से जितना भी वेस्ट वाटर है वो बाहर निकल जाता है। देखिए आपके सामने ये जो है ये 1,000 लीटर का जो रेगुलर वाटर है 1,000 लीटर का है, उसके बाद ये SS16 मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ आरओ प्लांट है, हमारी कंपनी ने दिया हुआ है 250 लीटर पर आवर के हिसाब से जो है पानी सप्लाई करता है आरओ के अंदर। ठीक है, फिर ये जो है यहाँ पर आरओ का वाटर आ जाएगा, आरओ वाटर आ जाएगा यहाँ पर, फिर आरओ वाटर के बाद जो यहाँ पर मशीन में आएगा। और अभी इनका जो स्टाफ चला गया है क्योंकि रात है, तो अभी हमारी टीम जो यहाँ पर प्रोडक्शन कर रही है, आपके सामने प्रोडक्शन हो रहा है, मशीन ऑन है, ये देख सकते हो अभी ताजे ताजी जो है सोडा बनी हुई है। और सर जो है, सर एक मिनट आ जाइए, कितना सोडा और कितना सिरप डालते हो? हम लोग हर एक फ्लेवर में हम लोग का रेशियो अलग है, 20-30 और 25 में हम लोग घूमते हैं, 20-30 ml में ही हम लोग। हाँ, ये कितने ml का बोतल है सर? ये 200 ml का, ये एक्चुअली बोतल 210 ml का है, बट हम लोग 200 ml में 20-25 ml सिरप डाल के बाकी हम लोग सोडा यूज करते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि ये जो बोतल जो है उसमें बात चल रही थी हमारी, ये बोतल ये है 210 ml का बोतल, इसके अंदर 190 ml सादी सोडा और 20 ml सिरप अभी सेट किया है। यहाँ 200 भी बहुत ही अच्छा टेस्ट लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू, क्योंकि हम लोग का जो रेशियो था इससे ज्यादा था,
पर वो फ्लेवरिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता था, जो सबको रिव्यू लिया, टेस्टिंग किया, पर नहीं पसंद आया, इसलिए हम लोगों ने फ्लेवरिंग कम किया और ये फ्लेवर पूरे मार्केट में सेट हो गया है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है, तो सेट होना ही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बॉटल का लुकिंग यानी पूरा जो कॉन्सेप्ट जो आपने रखा है ना, वो बहुत ही अच्छा रखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है सर। ये मार्केट में रहने के लिए किया है, क्योंकि सब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग हैं जो बेवरेजेस बिजनेस कर रहे हैं, पर कोई यूनिकनेस नहीं ला रहा है, इसलिए हम लोग का यही प्लान था कि अगर मार्केट में आना है तो कुछ यूनिकनेस के साथ आए कि तुरंत मार्केट अडॉप्ट कर ले हमको। देखिए अभी प्रोडक्शन जो है अभी चल रहा है, यहाँ पर जो है सोडा फील हो रहा है, यहाँ पर जो है सिरप फील हो रहा है, आपके सामने जो है प्रोडक्शन चल रही है मशीन में से, ठीक है, यहाँ पे कैप हो रहा है देख सकते हैं आप, और फिर यहाँ से रेडी हो जाने के बाद यहाँ पर रख दिया जाता है, फिर इसको बॉक्स में डाल दिया जाता है। देखिए ये अभी परफेक्शन प्रोडक्शन का बहुत ही अच्छा रहता है। वेरिएशन की कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, पहले लोगों अपना हमारे वर्कर्स को कैलिब्रेशन नहीं आता था, तो उसमें कभी वेरिएशन का प्रॉब्लम आ जाता है, पर यूजुअली अभी कैलिब्रेशन का प्रॉब्लम नहीं, सब परफेक्ट ही आता है। परफेक्ट आ रहा है ना, ये इस तरीके से कैरेट में रखा हुआ है माल, फिर कैसा करते हो ऐसा, फिर बॉक्स में सीधा? इसमें सर अभी क्या है, प्रोडक्शन बंद है, नहीं तो जैसे ठंडा आता है हम लोग बैच कोडिंग और उसका लेबलिंग करके हम लोग पैक कर देते हैं। अच्छा, ठंडे में ही लग जाता है? ठंडे में लग जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है सर, गर्म में करोगे तो फिर डिफॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा है। अच्छा। आप गर्म में हॉट गन लगाओगे, स्टिकर लगाओगे, तो आपको थोड़े दिन के बाद आपका वो जो बॉटल है वो फूलने लगता है। अच्छा। और ठंडे में करोगे तो परफेक्ट का परफेक्ट रहेगा। मतलब ये जो स्टिकर लगाने का जो काम है आप ठंडे में ही कर लेते हैं? हाँ, ठंडे में ही करते हैं, जिससे आपका बॉटल सबसे बेस्ट शेप में रहेगा। देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्शन अभी चल रहा है, उसके बाद ये बॉटल है जो इन कैरेट्स में जाएगी। जैसे यहाँ पे अभी प्रोडक्शन आपके सामने हो रहा है, देखिए दोनों जगह पे प्रोडक्शन चल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप, मशीन जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रही है सर। सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो मशीन है उसका प्रोडक्ट्स का परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है। हाँ, ये भी टेस्ट कर लेते हैं सर, अभी लेके आए हैं तो टेस्ट करके बताएंगे। जैसे मैंने पिया तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और आगे ये वाली फ्लेवर भी टेस्ट करके देखते हैं। ये मिक्स बेरीज है, मिक्स बेरीज फ्लेवर है। वाकईतन बहुत ही यूनिक टेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम खुद भी फ्लेवर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो टेस्ट जो है वो थोड़ा बहुत पता चलता है हमें भी, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर है सर, बहुत यूनिक। थैंक यू सर, ये बहुत 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 टाइम का मेहनत है सर। हाँ। ये फ्लेवर डिसाइड करने को हमको ऑलमोस्ट एक साल लग गया कि कौन सा डिसाइड करने में एक साल लग गया, क्योंकि बहुत से फ्लेवर है सर मार्केट में ऑलरेडी, तो हमको अलग क्यों रखना है, अलग क्यों पढ़ना है, उसकी वजह से हमको थोड़ा टाइम लग गया। और सर ज्यादा स्वीट नहीं है, स्ट्रांगनेस परफेक्ट है, यानी बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है सर। यही कि हम लोग थम्सअप और स्प्राइट पी के थक गए थे, इसलिए ये प्रोडक्ट हमको लाना पड़ा। नहीं, बहुत यूनिक तरीके से बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट किया है, मालिक करे और आपका बिजनेस बहुत ही सफल हो और ग्रोथ हो। अभी तो चल ही रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, आगे और तरक्की करें आप, ऐसी आपको 5-7 मशीनें लगानी पड़े, यही हमारी दुआ है। नहीं नहीं, शुक्रिया, और आपकी मशीन और आप लगाना है तो क्या टेंशन है यार, कोई बात नहीं, और 5 से 10 लगा देंगे। जी। देखिए ये प्रोडक्शन हो जाने के बाद जो इस तरीके से कैरेट में रख दिया जाता है माल को, ठीक है, और ये हो जाने के बाद जो है ये इस तरीके से कैरेट यहाँ पे रखे हुए हैं, उसके बाद जो है यहां पर जो है स्टिकर लग जाता है। देखिए देखिए ये अभी जो है इस तरीके से स्टिकर लग जाता है, उसको आगे ले जा मोबाइल, ये देख सकते हो आप, अभी ये स्टिकर लग रहा है, देखिए ये जो है सिलेंडर से स्टिकर बनता है, वो छोटाने वाला स्टिकर नहीं है, होट गन से जो है लगाया जाता है, देख सकते हैं आप, स्रिंग स्लीव स्टिकर है ये। बोलिए लग जाने के बाद जो है आपको दिखा देते हैं, देखिए ये लग गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये बॉटल, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, और ये बॉटल इस तरीके से लग जाने के बाद जो है यहां पर जो इस तरीके से स्टॉक में रखी हुई है, फिर जो है इसको बॉक्स में डाल दिया जाएगा, ये बॉक्स में डाल दी जाएगी सारी बोतलों को, फिर ये मार्केट में डिस्पैच करने के लिए रेडी हो जाएंगे ये सारे कैरेट्स। देख सकते हो ये सारी फ्लेवर है, जैसे कि हम बात कर रहे थे आरओ में से, आरओ पानी जो है फिर मशीन को मिल जाता है, और उसका जो वेस्ट है वो वेस्ट के लिए ये एक और टैंक लगाया गया है, ये यहाँ पर जो है आरओ का वेस्ट वाटर है सर। ये फिर आप क्या काम में लेते हो या फिर इसका क्या करते हैं आप? ये सर हम
गार्डनिंग कर देते हैं या किसी को गाड़ी वाड़ी धोना है या कोई भी है हम उसमें यूज कर देते हैं, या वाटरिंग करना है प्लांट्स को या कोई भी जगह पे जिसको पानी की जरूरत है, जिसमें वो खेती करता हो, हम उनको फ्री में दे देते हैं। अच्छा, ये वाटर जो है फ्री में फिर आप उसको दे देते हो, गार्डनिंग में यूज कर लेते हो, और कुछ साफ सफाई करना हो यानी यहाँ पर धोना है फैक्ट्री वगैरह ये सब? हाँ वही, ये सब इनहाउस के लिए काम लगता है, हम एक्सटीरियर कुछ बाकी कहीं यूज नहीं करते, या हम खुद यूज करते हैं या तो हमारे आजू बाजू जो खेती करते हैं उन्हें हम दे देते हैं। तो देख सकते हो ये ऐसी प्रॉफिटेबल वाली बहुत ही कामयाब बिजनेस है जो सर ने डाला है। आप भी शुरू कर सकते हो ऐसा सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास से अपना खुद का मशीन लेके। यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यू प्रोडक्शन चालू है आपके सामने, अभी इतनी देर के अंदर तकरीबन 4 पेटी जो है हमारे स्टाफ ने बना दिया है। तो देखिये दोस्तों, अच्छी क्वालिटी की आप मशीन लेंगे तो दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम आपको आने की नहीं है, और प्रोडक्शन का परफेक्शन आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से जो है मशीन में से निकल रहा है। तो एसएस सोडा मशीन कंपनी से जुड़ने के लिए नीचे दिखाए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। हमारी कंपनी जो है इंडिया में, इंडिया के बाहर ऑल ओवर वर्ल्ड में मशीनें सेल करती है, और बहुत जगह पर पूरे इंडिया में हमारी मशीनें लगी हुई है। दोस्तों कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है, तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट को शुरू करने के लिए, अपनी खुद की फैक्ट्री डालने के लिए नीचे दिखाए गए नंबर पर कॉल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एसएस सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीडियोस। थैंक यू। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एसएस सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीडियोस। थैंक यू।